सो स्टूडेंट्स वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ CBSE 10 मैथमेटिक्स। हमने 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक किया हुआ है। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 का कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आइडेंटिटीज से रिलेटेड है। तो इसके लिए जरूरी है जो आइडेंटिटीज वाला क्लास मैंने दिया था वो आइडेंटिटीज वाला क्लास अच्छे से देखना, क्योंकि अगर आइडेंटिटीज आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर मैं किस ट्रिग्नोमेट्री को किस में चेंज कर रहा हूँ वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आइडेंटिटीज दिया हुआ है, टोटल 10 आइडेंटिटीज दिया हुआ है। आज के क्लास में हम लोग कितना करेंगे, 1 से लेकर 5 तक करेंगे, ये लिख रखा है मैंने, 1 to 5। तो बहुत ही ध्यान से सुनना हर एक क्वेश्चन को और देखना कि किस से किस में मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा रिविजन में आइडेंटिटीज का करा देता हूँ यहाँ पर दोबारा से क्विकली, एंड उसको थोड़ा नोटिस करो। तो साइन स्क्वायर है सबसे इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ए के जगह पे हम लोग थीटा भी यूज कर सकते हैं, थीटा का सिंबल कैसा होता है इस तरीके का। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग को दो और आइडेंटिटीज मिल जाता है, वो क्या होता है, वो है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो कहीं पर अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हमको दिख जाता है हम उसका वैल्यू लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, या फिर साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस तरीके से जिस तरीके का जरूरत हमको होगा क्वेश्चन में उस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। तो बेसिक इसको याद रखना है, इससे ये दोनों आ जाएगा। एक और क्या बताया था मैंने, दूसरा आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से दो और निकाल लो, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना, या फिर कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, इससे ये दोनों आ रहे हैं, इससे ये दोनों आ रहे हैं। थर्ड एक और मैंने क्या बोला था, थर्ड जो आइडेंटिटी बोला था मैंने वो बोला था टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये चीज याद रखना है, कॉट के साथ कोसेक का हो रहा है, टेन के साथ सेक का हो रहा है। ठीक है, तो यहां से दो और क्या निकलेगा, निकलेगा टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 1 इज इक्वल टू 10 को इधर कर दीजिए sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटीज हो गया। इसके अलावा रेसिप्रोकल रिलेशन का एक बार रिविजन करा देता हूँ। रेसिप्रोकल रिलेशन मतलब क्या, कि साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कोसेक ए। ये इसलिए रिविजन करा रहा हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए जरूरत होगा। साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कोसेक ए, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल रिलेशन, या फिर मैं कोसेक ए को लिख सकता हूँ 1 बाय साइन ए। एंड द नेक्स्ट वन इज मैं लिख सकता हूँ कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए, या फिर मैं लिख सकता हूँ सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए। ठीक है, दैट मीन्स साइन कोसेक का रेसिप्रोकल रिलेशन है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल रिलेशन है, और थर्ड वन सॉरी नेक्स्ट वन टेन ए इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉट ए, या फिर कॉट ए इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 बाई टेन ए। ठीक है, और साइन ए इज इक्वल टू 1, ये दोनों रिलेशन जो मैंने बताया वो तो आइडेंटिटीज एंड दिस रिलेशन रेसिप्रोकल रिलेशन, ये इसका यूज करके ही हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। मैंने इसका एग्जांपल्स ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि किस तरीके से इस तरह का आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या क्या करना है, उनको चेंजेस करते रहना चाहिए। ठीक है ना, तो देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। सब लोग क्वेश्चन लिख लो कॉपी में एंड देन हम लोग इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये मेरा LHS है और ये मेरा RHS है, तो LHS इज इक्वल टू RHS में प्रूफ करूंगा। तो पहले LHS को ले लेता हूँ, तो LHS में क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर ना, तो LHS ले लिया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो जब मैंने एग्जांपल का सॉल्यूशन कराया था तभी भी मैंने बताया था कि
इस तरीके का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जो सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जो कि साइन और कॉस, उसमें चेंज करने का कोशिश करना। तो यहाँ पर देखो, कोसेक थीटा को मैंने क्या किया, 1/sin थीटा में चेंज किया, अभी अभी मैंने दिखाया था रिलेशन। और जब भी हम लोग चेंज करेंगे ना, उसके साइड वाले स्टेप में रीजन दिखा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिंस कोसेक थीटा को मैंने 1/sin थीटा लिखा, बिकॉज कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। अब देखो कॉट थीटा को मैंने क्या किया, कॉट थीटा को मैंने कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखा है, ठीक है। तो कॉस थीटा बाई क्यों लिखा है इसको, बिकॉज कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, ठीक है। ये भी एक रिलेशन है जो मैंने बताया नहीं, बट ये भी है उसके। इसी तरह से टेन थीटा का होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नाउ इसका देखो होल स्क्वायर है। अब ये 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर साइन थीटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर न्यूमरेटर के लिए भी है, डिनोमिनेटर के लिए, तो इसलिए मैं इसको अलग करके लिखा हूँ। देखो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। तो ये वाला जो स्टेप है, क्योंकि आप 10 के स्टूडेंट्स हैं, आप दिमाग में अगर कर सकते हैं तो फाइन, अगर नहीं कर सकते हैं तो इस स्टेप को करके देन ये स्टेप करना है, ठीक है। तो 1 माइनस क्या हो गया, ये 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाई साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सेम इसी को लिखा हुआ है, ये जो साइन थीटा होल स्क्वायर है इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, अभी अभी मैंने दिखाया था। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वही चीज़ किया, देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैंने क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जब स्टेप करूंगा, इसके साइड में मैं ये रीजन दे दूंगा, ये वाला है, या तो ये लिख दूं या तो यह लिख दूं, दोनों में से कोई एक लिखने से भी होगा, तो स्टैंडर्ड वाला जो है वही लिखना ठीक रहेगा। तो यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए मैंने रखा नहीं, बट मैं रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो आपके कॉपी में होना चाहिए। जब आप ये स्टेप करेंगे, यहाँ पर आपने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया, तो इसके इसी स्टेप के अगेंस्ट में ये रीजन देंगे, ठीक है। तो इसके बाद अगला स्टेप देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होगा। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, ये हो गया a² - b² एंड a² - b² क्या होता है, a² - b² होता है a - b a + b, इजंट इट। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो 1 माइनस कॉस थीटा + 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये ऊपर में जो है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है ना, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख दे सकता हूँ, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो इसको मैं दो बार तो लिख ही सकता हूँ ना, जैसे 2 स्क्वायर होता है, 2 स्क्वायर को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ। उसी तरह से 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो इसको मैं 1 माइनस कॉस थीटा × 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अब क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो बचा क्या, न्यूमिनेटर में बचा 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था RHS में, देखो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो आपने देखा शुरू से लेकर लास्ट तक ये सिर्फ कॉन्वर्शन का खेल है। अगर मेरे को पता नहीं है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट एंड क्या आइडेंटिटीज है, तब मेरा इसमें क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके का जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता है आइडेंटिटीज प्रूव करने वाला, इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी हम लोगों को दिमाग में ये आ जाता है कि कहाँ पर कौन सा, मतलब दिख जाता है एक तरह से क्लियरली कि हाँ यहाँ पर ये यूज करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। जैसे अभी स्टार्टिंग में जब आप कर रहे होंगे तो आप लगेगा कि यार कोसेक और कॉट से कैसे लेके आए, तो ये वाला चीज नहीं रहेगा। जब आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तब क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इसको मैं ऐसा ऐसा चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर 1 था, नंबर 1 ये इजी क्वेश्चन ही है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, Roman 2 में क्या है देखते हैं, Roman 2 में क्या पूछा गया है। तो ये रोमन 2 का क्वेश्चन, कॉस थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा + 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग को 2 sec थीटा। RHS में इतना बड़ा क्वांटिटी दिया हुआ है और LHS में इतना बड़ा क्वांटिटी दिया हुआ है, RHS में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, देखो ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, ऑलरेडी किया हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कॉस थीटा LHS पहले ले लिया हम लोग ने, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एग्जैक्टली वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ
इसका हम एलसीएम कर रहे हैं, देखो 1 प्लस साइन थीटा इसका डिनोमिनेटर में है और इसका डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, सॉरी कॉस ए है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये कॉस ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस साइन ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप के बाद वाला स्टेप देखिए, इसमें हमने क्या किया, डिनोमिनेटर जो है वैसे ही रहने दिया, ये कॉस स्क्वायर ए हो गया हमारा, और इसमें हमने क्या यूज कर लिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिया। ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड करके लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे बी के जगह पे क्या है, साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए, और 2ab में क्या होगा, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, 2 साइन ए, तो यानी कि यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज किया है। ठीक है, देन अगला स्टेप में देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए यहाँ पर, ये कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 1, ये जो 1 है यहाँ पर, प्लस 2 साइन है, यहाँ पे हमने ये वाले स्टेप में थोड़ा सा अरेंज किया है जस्ट, और ये स्टेप अगर अवॉइड भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये स्टेप नहीं भी लिखने से होगा, लेकिन अगर लिखते हैं तो बेहतर है, बट नहीं लिखने से कटेगा नहीं मार्क्स, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ही हमको दिख जा रहा है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी ऑलरेडी हमको पता है क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसके बाद मैं ये स्टेप कर सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, सॉरी, ये स्टेप कर सकता हूँ डायरेक्टली, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, ये 1 पहले से है और 2 साइन है, तो इस स्टेप में मैंने क्या किया, चेंज किया, तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा यहाँ पर आइडेंटिटीज इसको मेंशन करूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये स्टेप में मैंने जैसे ही किया तो यहाँ पर मेंशन करूंगा, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये 1 प्लस 1 क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए कॉस ए, मतलब मेरा डिनोमिनेटर सेम वैसा ही है। अब ये दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है स्टूडेंट, थोड़ा सोचिए दिमाग में, क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है ये दोनों में से, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है 2 कॉमन लेने से, यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो 1 बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो साइन ए बचेगा, तो 2 इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इस स्टेप में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बाई कॉस ए क्या हो रहा है, 2 sec a, तो RHS में हमको यही प्रूफ करने के लिए बोला था, है ना, तो देयर फोर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। देखा, तो कितना इजी है, खाली कॉन्वर्शन पता होना पड़ेगा कि क्या कहाँ से क्या कॉन्वर्ट करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लो इसको, अगर नोट नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करता हूँ, डाउट्स भी पूछूंगा मैं। नंबर थ्री का क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा, आपके पास बुक होगा तो वहां से क्वेश्चन मैच भी कर सकते हैं, टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, ये मेरा LHS का क्वांटिटी हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा, ये प्रूफ करना है RHS। ठीक है, नाउ LHS में क्या है, टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा, ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ, टेन थीटा को मैंने क्या किया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दिया, क्यों, सिंस सिंस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ थोड़ा इंग गिर गया, ठीक है, और कॉट थीटा को मैंने क्या किया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख दिया, इसका भी रीजन क्या है, सिंस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ओके, नाउ नीचे में भी कॉट थीटा है, इसको भी देखो चेंज कर दिया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, न्यूमिनेटर को ऐसे ही रहने दीजिए, इस वाले स्टेप में डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा है, तो इसका मतलब इसके नीचे ये क्या है, 1 बाय 1 है,
ये भी वन बाई वन है, तो इस वाले क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे अलग से, इसको भी अलग से करेंगे, तो वन और साइन थीटा, इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा, तो यानी कि साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको मैं अलग से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो वन माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो इसके नीचे क्या होगा, वन होगा, वन और साइन थीटा का एलसीएम करिए तो क्या आएगा, ये साइन थीटा ही आएगा है ना, और यहाँ पे आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो एग्जैक्टली यही चीज मैंने यहाँ पे बैठाया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये सेम चीज यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप देखिए, मैंने एक दो स्टेप स्किप किया हुआ है, बट मैं एक्सप्लेन करते समय वो स्टेप दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद वाला स्टेप देखो, ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो वैसे ही रखा है मैंने, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, एक सेकेंड, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये जो क्वांटिटी है ये नीचे डिवाइड है, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब इस तरीके का हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सेम चीज इस इसके साथ भी करेंगे, क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये चीज रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। रेसिप्रोकल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में जिस तरीके से डिवाइड करते हैं ना, जैसे 2/3 डिवाइडेड बाय 1/2 हुआ, तो हम क्या करते हैं 2/3 और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं 2/1, सेम चीज यहां पर किया। तो इसके बाद अब ये वाला स्टेप देखिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस, क्वेश्चन में हमारा प्लस है, ओके यहाँ पर माइनस क्यों हुआ वो भी मैं बताता हूँ, इसको माइनस ही रहने दीजिए, माइनस ही रहेगा, अभी मैं बताता हूँ क्यों होगा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, एक्चुअली दो स्टेप स्किप किया हुआ है, तो इसीलिए अगला स्टेप भी, इसके बाद का ये स्टेप दिखा रहा हूँ, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ध्यान देना, इसके बाद ये स्टेप, फिर ये स्टेप, अब ये स्टेप होगा, कैसे होगा समझा रहा हूँ, ये चीज तो समझ में आ गया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये जैसे का वैसा, लेकिन यहाँ पर जो प्लस देख रहे हैं आप, इधर ये माइनस हो गया, क्यों हो गया माइनस, डिनोमिनेटर में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये वाला चीज को सेम करना चाहता हूँ, मतलब साइन थीटा इधर प्लस है और कॉस थीटा माइनस है, तो यहाँ पर भी मैं वही करना चाहता हूँ कि साइन थीटा मेरा प्लस में आए और कॉस थीटा माइनस में आए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लूंगा, तो वो जो माइनस वन कॉमन लूंगा उसका साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसीलिए ये माइनस हो गया, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मेरा जगह कम था, ये दोनों स्टेप मैंने नहीं लिखा, तो आप लोग जो है कॉपी में ये स्टेप लिखेंगे, ये स्टेप लिखेंगे, फिर ये स्टेप लिखेंगे, ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए, क्योंकि मुझे ये जगह भी चाहिए अभी। तो ये स्टेप होने के बाद अब यहाँ पर ये चीज सेम हो गया, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला चीज सेम हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों में से वन बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो वन बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लेने से स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। तो यहां तक नोट कर लीजिए ये स्टेप को, फिर आगे का दिखा रहा हूँ, ये खत्म नहीं हुआ सॉल्यूशन, ओके। नाउ इसके आगे का स्टेप्स देखिए क्या है, वन माइनस वन बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा कॉमन लिया हुआ था, तो ये हमारा कॉमन लिया हुआ है, यहां पर हमने क्या किया, एलसीएम किया, तो एलसीएम करने से नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले से साइन स्क्वायर थीटा है, एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और ये कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया कॉस क्यूब थीटा एलसीएम करके, ठीक है। नीचे क्या है, वन बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये जैसे के वैसे लिखेंगे,
नाउ साइन थीटा माइनस कॉस थी सॉरी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये किस तरीके का आइडेंटिटी में आ गया? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद कीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है फैक्टराइजेशन का, वो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, अगर भूल गए हैं तो लिख लीजिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला को यहाँ पे यूज किया हमने। देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर क्या था, ए स्क्वायर था इसलिए साइन स्क्वायर थीटा, फिर ए बी इसलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमने फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, डिवाइडेड बाय जो है साइन थीटा माइनस कॉस साइन थीटा कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस वाले स्टेप में देखो बहुत सारा चीज कैंसिल हो रहा है, ये क्या बीच में इनटू है, तो इसका मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये एक आइडेंटिटी हमको मिल गया, क्या आइडेंटिटी मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, तो यहाँ पे वन लिख दिया हमने, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा सॉरी वन बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इसको अलग अलग कर दिए, जो प्लस साइन है ये बीच में है और ये जो डिनोमिनेटर है दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया। आप इसको दोबारा से एलसीएम करेंगे तो यही चीज आएगा वापस, तो यानी कि ये स्टेप से हम इसको लिख सकते हैं ना, वन बाय साइन थीटा कॉस थीटा मतलब ये तो हमारा कैंसिल होके वन हो जाएगा, तो वन बाय साइन थीटा कॉस थीटा का क्या मतलब है, वन बाय साइन थीटा कॉस थीटा इसका मतलब क्या है, वन बाई साइन थीटा इंटू वन बाई कॉस थीटा, यही तो होता है ना, वन बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो वन बाई साइन थीटा क्या होता है, वन बाई साइन थीटा इज कॉसेक थीटा एंड वन बाई कॉस थीटा इज सेक थीटा, तो यही लेके आना था हमको, देखो वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो ये आ गया हमारा वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब डिफिकल्टी लेवल से भी थोड़ा, डिफिकल्टी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा ये ज़्यादा डिफिकल्ट है पिछले दो क्वेश्चन से, और इसमें जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज हो रहा है और ये सारे स्टेप में, ये दो तीन स्टेप कर लेते हैं जनरली, यहाँ से बहुत लोग यहाँ तक भी कर लेते हैं, लेकिन जब ये फैक्टराइजेशन का आता है तब गड़बड़ हो जाता है। क्यों गड़बड़ होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेसिकली याद नहीं रहता है, ठीक है ना, या फिर याद रहता भी है तो ये दिमाग में आता नहीं कि ये भी इसमें यहाँ पे यूज कर सकते हैं बोल के, तो इसलिए बहुत ही केयरफुली इसको सॉल्व कर, ठीक है, नोट कर लो, और अगर किसी का नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, रोमन 4 क्या था वो देखते हैं, ये है रोमन 4, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, रोमन 4 में बोला है वन प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सेक ए, मैं थीटा वर्ड यूज करूँ बार बार, वन प्लस एक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई वन माइनस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे एल एच एस क्या है, वन प्लस सेक ए बाई सेक ए, तो देखो इसको भी हमने किस में चेंज कर दिया, वन बाई कॉस ए में, कैसे चेंज कर दिया, क्योंकि वी नो सेक ए इज इक्वल टू या सेक थीटा इज इक्वल टू सेक ए इज इक्वल टू होता है वन बाई कॉस ए, तो सेक ए के जगह पे हमने वन बाई कॉस ए लिख दिया। ठीक है, अब इसको एलसीएम करेंगे, इसके नीचे क्या है, वन है, तो एलसीएम एलसीएम करेंगे, डिनोमिनेटर में कॉस ए रहेगा, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वन। ठीक है, अब ये वाला स्टेप को ध्यान दो, अलग से मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, कॉस ए प्लस वन बाई कॉस ए, है ना, और नीचे क्या है इसका, वन बाई कॉस ए, मतलब ये जो फ्रैक्शन का डिवीजन है उस तरीके का हो गया, तो यानी कि इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, कॉस ए प्लस वन बाई कॉस ए इंटू, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि कॉस ए बाई वन हो जाएगा, तो ये कॉस ए कॉस ए कैंसिल, तो क्या रह गया यहाँ पे, कॉस ए प्लस वन रह गया, है ना। अब यहाँ पर क्या किया, क्या किया मैंने, रैशनलाइजेशन का प्रोसेस को यूज किया, ठीक है, क्योंकि मेरे को इसमें डिनोमिनेटर में क्या लेके आना है, मुझे डिनोमिनेटर में लेके आना है वन माइनस साइन ए सॉरी वन माइनस कॉस ए लेके आना, तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस ए लेके आ गया मैं, और साथ ही साथ न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल होके वैल्यू यही रहेगा। ठीक है, न्यूमिनेटर में जब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जा रहा है, वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एंड ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है स्टूडेंट्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। कैसे हो जाएगा इसका वैल्यू साइन स्क्वायर ए, मैंने आइडेंटिटी सिखाते समय सिखा दिया था ये, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू देखो आरएचएस के बराबर हो गया, इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, ओके लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने एक एग्जांपल में भी कराया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो एग्जांपल में जो कराया था वो टेन और सेक से रिलेटेड था, इसमें सेम क्वेश्चन कॉसेक और कॉट का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है बुक में देख लो एक बार, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। इसको हम लोग को प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, एग्जाम्पल में सेम क्वेश्चन है लेकिन उसमें आइडेंटिटी दूसरा दिया हुआ है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या आइडेंटिटी यूज करने के लिए कहा गया, यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी को यूज करके हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ देखो ध्यान से इसका स्टेप्स देखना, तो पहले हम मैं एलएचएस को ले रहा हूँ, एलएचएस में क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो इसमें क्या करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे कोसेक और कॉट है तो ये इसको हम लोग कोसेक और कॉट में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो देखो कॉस दिया हुआ है, कॉस को कॉट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय साइन, क्योंकि कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉट ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए बाय साइन ए, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा को साइन ए से डिवाइड कर देंगे। देखो कॉस ए बाय साइन ए, साइन ए बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए, एंड डिनोमिनेटर को भी हम लोग साइन ए से डिवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ पे साइड में रीजन क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है, ये चीज मेंशन करेंगे। अगला स्टेप में देखो कॉस ए बाय साइन ए, कॉट ए हो गया, साइन ए बाय साइन ए 1, 1 बाय साइन ए कोसेक ए, साइन में ध्यान रखना पड़ेगा माइनस प्लस, और इसका क्या हो गया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब देखो कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है ना। तो रैशनलाइज करेंगे हम लोग किसको, इसको डिनोमिनेटर को, इसमें देखो कॉट ए पे अलग अलग हम लोग ने इसका जो टर्म्स है इसको कर लिया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, यहाँ पे प्लस है, तो रैशनलाइज करते समय जैसे हम लोग ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम चीज हम लोग करेंगे, क्या इसका ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला साइन में ध्यान रखेंगे, इसमें नहीं, तो ये माइनस ले लिया, और सेम चीज नीचे और ऊपर मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब यहां से ये क्या हो गया, इसमें ध्यान दो, ये ए प्लस बी बोल सकते हैं हम लोग इसको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में ये आ गया है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, अगर इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमने सेम वही चीज किया है यहाँ पे, कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे आया देखो, अगर इसका होल स्क्वायर करते हो जैसे कि कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, है ना, इसका अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर निकालो इसको, कॉट ए माइनस 1, तो कॉट ए माइनस 1 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कॉट ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर, ये पूरा होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हमारा इसका 50% सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, बाकी का 50% देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपका दिमाग एकदम खोल के रख देगा ये। अब इसमें हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आपको याद होगा ए प्लस बी प्लस सी होली स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी क्लास 9 में सीखा था। इसका क्या होता है, लिख देता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है ना। अब वही फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, ए के जगह पे यहाँ पे क्या है कॉट ए है, बी के जगह पे है माइनस वन, और सी के जगह पे क्या है कोसेक ए। तो इसको यहाँ पे लगा दे रहे, देखो ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या है टू ए बी, तो यहाँ पे ए के जगह पे क्या है कॉट ए है और बी के जगह पे माइनस वन, तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू कॉट ए। फिर टू बी सी, तो टू इंटू माइनस वन इंटू कोसेक ए, यानी कि टू कोसेक ए हो जाएगा। फिर टू सी ए, तो सी के जगह पे यहाँ पे कोसेक ए और ए के जगह पे कॉट ए, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस टू कॉट ए कोसेक ए, ठीक है। तो ये वाले स्टेप में हमने इस वाले आइडेंटिटी को यूज किया है, ध्यान से देखना, ठीक है। और यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए माइनस ये जो वन माइनस कोसेक स्क्वायर ए है, इसमें हमने क्या यूज कर लिया, इसमें हमने यूज कर लिया है ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही तो होता है। तो देखो ए स्क्वायर हो गया वन का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया कोसेक स्क्वायर ए, और माइनस टू ए बी मतलब टू इंटू वन इंटू कोसेक ए, तो माइनस टू कोसेक ए हो गया ये, ठीक है। अब ऊपर में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर ए, यानी कि इसका जो वैल्यू है ये हमारा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये जो आइडेंटिटी दिया हुआ है ये हमारा यहाँ पे यूज हो जा रहा है, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए कितना हो गया टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये समझ में आई थिंक, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने जो है एक दो स्टेप यहाँ पे लिखा नहीं है, बट बता दे रहा हूँ। देखो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ध्यान से देख लो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए ये टू कोसेक स्क्वायर ए हो गया। फिर माइनस प्लस टू कॉट ए कोसेक ए, माइनस टू कॉट ए माइनस टू कोसेक ए, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में है कॉट स्क्वायर ए, और इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, तो माइनस वन माइनस इंटू प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर ए, एंड देन माइनस इंटू माइनस प्लस टू कोसेक ए, ठीक है। अब यहाँ से दो दो का यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेते हैं, इसमें से हमारा ये यहाँ से हमारा कॉमन आ जा रहा है टू कोसेक ए, तो मैंने इसमें से क्या कॉमन लिया टू कोसेक ए कॉमन लिया, तो टू कोसेक ए कॉमन लेने से यहाँ पर क्या रह जा रहा है कोसेक ए रह जा रहा है। देखिए जैसे कि टू एक्स स्क्वायर है, मान लेते हैं टू एक्स स्क्वायर में से मैंने टू एक्स कॉमन ले लिया, तो टू एक्स कॉमन लेने से क्या बचेगा एक्स बचेगा ना, वैसे ही है यहाँ पे टू कोसेक स्क्वायर ए है, टू कोसेक स्क्वायर ए में से मैंने टू कोसेक ए को कॉमन ले लिया, तो बच रहा है क्या यहाँ पे कोसेक ए बच रहा है, और यहाँ से टू कोसेक